नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। महाराष्ट्र के स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस इंक्रीज होने वाली है अप टू 25%। यहाँ पर दो मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरे पास कुछ डिटेल है, KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज और तरना मेडिकल कॉलेज इन नवी मुंबई। ये दो मेडिकल कॉलेज में 23% और 24% फीस इंक्रीज होने वाले हैं, और ये जो फीस इंक्रीज होने वाले हैं वो अलाउ कर दिया गया है बाय फी रेगुलेशन अथॉरिटी महाराष्ट्र में। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा मेडिकल कॉलेज है MIMER इन पुणे, उसकी फीस भी इंक्रीज होने वाली है अप टू 26.7%। यहाँ पर फीस जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काफ़ी सारी इंक्रीज होने वाली है, और यह आप सभी स्टूडेंट के लिए है जो महाराष्ट्र के स्टेट के हों या महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हों, उनके लिए बुरी खबर है। कोई कोई कॉलेज में फीस जो है 9 लाख के ऊपर हो चुकी है। उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज में फीस 12.6 लाख रुपीज़ भी है। पिछले साल के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इंक्रीज हो रही है अप टू 10% एक साल में इंक्रीज अलाउ करता है। लेकिन यहाँ दो मेडिकल कॉलेज की बात मैंने आपके साथ की है, वहाँ पर अप टू 25% फीस इंक्रीज हो रहे हैं। देखते हैं इसके खिलाफ कुछ पेरेंट्स केस करें और उसमें कुछ चेंजेस हो तो वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट के लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस पहले से ही हाई होती है और यहाँ 25% इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये और भी हाई हो जाएगी। और मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट हों, उनके लिए यह अफोर्ड करना और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।